हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू एंड यू आर वाचिंग एएसएस ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा ग्रुप 15 एलिमेंट का पार्ट फर्स्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कैसे खोलना हो देखिए, इस एक डॉट दिख रहा होगा आपको वीडियो के नीचे, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें एक और चैनल का लिंक होगा भाई, वो मोटिवेशनल चैनल है अपना, उसको भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट में पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। ऐसे मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन का एक अलग से वीडियो बना रखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा डिस्कस कर ही लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो अमोनियम सॉल्ट मतलब NH4 प्लस X माइनस, ये कैटायनिक पार्ट है आपका और ये एनायनिक पार्ट है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। अब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको दो पार्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। X के बेसिस पर यदि X माइनस आपका ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हो, X माइनस क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तब क्या होगा, और X माइनस रिड्यूसिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, यानी कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हो, तब क्या होगा वो देखना है हमें, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग मीन्स X माइनस ऑक्सीडाइजिंग होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए NO3 माइनस हो, आपका NO2 माइनस हो, जैसे कि Cr2O7-2 हो, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो सकते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो सकते हैं ये, ठीक है। खुद तो रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये क्या है, X माइनस क्या, ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। और आपका जो रिड्यूसिंग में क्या कहा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग उसमें क्या जाएगा, Cl- Br- carbonate, ठीक है, /sulfate, ये आपका आ जाएगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग में, ओके। अब शुरू करते हैं, पहले ऑक्सीडाइजिंग का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग में सबसे पहले पहला जो अपना वो NH4NO3, तो चलो चेक कीजिए X माइनस क्या है, NO3 माइनस है ना, X क्या है, आपको पहला जो चेक करना है X माइनस चेक करना है, तो X माइनस क्या दिख रहा है आपको, NO3 माइनस दिखा पहले वाले में, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग है ना, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक लगाना है, ठीक है, देखते आपको बताऊंगा मैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग में या तो N2O बनेगा, नहीं तो N2 बनेगा, ठीक है, दो ही चीज़ बन सकता है, या तो N2O नहीं तो N2। अब इसके लिए ट्रिक क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा एक बार, अब देखिए ध्यान से, NH4 प्लस, ठीक है, इसमें N किस में, N किस ऑक्सीजन स्टेट में, NH4 प्लस में, अब निकालिए तो X+3=+4=+1 हो जाता, तो X क्या देगा, -3, तो नाइट्रोजन किस में, -3 में, जबकि आप NO3 माइनस में आइए, NO3 माइनस में कैलकुलेट कीजिए तो X-6=-1, तो X चलू क्या आ गया, +5, यानी कि NO3 में ये जो है ये +5 में है और ये -3 में, बात समझ में आई कि नहीं है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, +5 -3/2 कर दीजिए, कितना जाएगा, 2/2, यानी कि 1। तो आपको वो बनाना है, यहाँ पर वो ऐसा नाइट्रोजन का वो बनाना है, कंपाउंड बनाना है जिसमें कि नाइट्रोजन किस में हो, +1 में हो, एक ही कंपाउंड है, दैट इज N2O, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, आप आसानी से कर सकते हो, जब भी अमोनियम सॉल्ट्स का डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो दोनों नाइट्रोजन का, ठीक है, और आराम से प्रोडक्ट लिख सकते हो। अगला देखते हैं, अगला है आपका NH4NO2, ये भी देखिए, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग है, X माइनस क्या है यहाँ पर, NO2 माइनस है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग वाले में आ जाएगा, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आपका, ये इसमें जो नाइट्रोजन है, इसमें जो ये नाइट्रोजन है ये किस में है, फिर से -3 में ही है, इसमें NO2 माइनस में जो नाइट्रोजन है किसमें, +3 में है। अब -3 + 3/2 की जगह कितना आएगा, 0 आएगा, नाइट्रोजन कौन सा कंपाउंड है जो 0 में है, N2 खुद, तो इसमें कौन सा गैस निकलेगा, N2 निकलेगा, ठीक है। अब इधर ही मैं दूसरा ही बता देता हूँ आपको, अगला है आपका NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको आप हीट करोगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। तो सुनो, इसमें नाइट्रोजन किस ऑक्सीजन स्टेट में है, -3 में, ठीक है, किसमें है भैया, -3 में, लेकिन अब तो ये ट्रिक यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि दो नाइट्रोजन नहीं है, ये ट्रिक वहीं लगेगा जहाँ पर क्या हो, आपके दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जहाँ पर भी दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ आप ये आसानी से ये ट्रिक लगा सकते हो, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ऑक्सीडाइजिंग है तो यहाँ भी क्या बनेगा आपका, N2 बनेगा, ठीक है, मतलब सब में N2 बनेगा, एक था N2O वो शुरुआत में था, N2O क्या था, एक शुरुआत में था, उसके बाद आपका जितना ही बच जाएगा सब में लगभग क्या बनेगा आपका, सिंपल सा N2 बनेगा, ठीक है। यहाँ वैसे कर सकते हो थोड़ा सा, देखो NH4 का होल ट्वाइस है ना, तो यहाँ पर N किस में, -3 में, -3 × 2 -6 हो गया। अब Cr2O7 निकालो किस में, तो 2x-14=0, ये क्या रहेगा, X=Cr2O7-2 होता है ना, तो ये -2, यानी कि 12, यानी कि X=2 कितना आएगा, 6। Cr भी किस में, 6 में, तो ये +6 में, ये -6 में, तो ये -6 +6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, तो 0 में क्या है, नाइट्रोजन N2 है,
इस N2 के अलावा और क्या बनता है आपका, Cr2O3 बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और S2 निकलता है। तो ये पूछा जाता है ये ग्रीन कलर का कौन सा सब्सटेंस बनना है, तो Cr2O3। तो आपको ध्यान रहेगा जब भी ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल है दोनों के ऑक्सीडेशन से निकालिए, ऑक्सीडेशन से निकालने का जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आ रहा है वैसा कंपाउंड आपको बना देना है, ठीक है, ये ट्रिक काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग में। नॉन ऑक्सीडाइजिंग पहला एग्जांपल क्या है, NH4Cl। हमने डिस्कस किया था कि Cl- यदि X- की तरह होगा तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसको आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अमोनिया मिलेगा। नॉन ऑक्सीडाइजिंग इसलिए बोल रहे क्योंकि अभी नाइट्रोजन किस में है, माइनस थ्री में है, तो अभी भी किस में रह गया, माइनस थ्री में ही रह गया ये, ठीक है भाई, क्लियर है, अमोनिया मिलेगा। अगला है NH4Br, इसको हीट करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, अमोनिया ही मिलेगा, ठीक है। NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसको भी हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अमोनिया ही मिलेगा, यानी कि हमेशा आपको क्या मिलेगा, अमोनिया अमोनिया। जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा अमोनिया ही अमोनिया मिलेगा। कर लोगे भाई, ये आसानी से, आसान सा ट्रिक है, आप आसानी से ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपने ग्रुप 15 में जो हम लोग शुरू किए हैं ना अभी, ग्रुप 15 उसमें सबसे जो पहला पार्ट था दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला रिएक्शन पर, अब सेकेंड ग्रुप ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ग्रुप ऑफ रिएक्शन है हेवर्स प्रोसेस, ठीक है, क्या कौन सा प्रोसेस है, हेवर्स प्रोसेस। ये हेवर्स प्रोसेस कुछ नहीं, बहुत आसान सा है, देखो सिंपल सा, N2 combines with 3S2, okay, and leading to the formation of two molecules of ammonia. When one molecule of N2 is combining with three molecule of S2, it is forming two molecules of ammonia. और ये रिएक्शन कैसा होता है, पहला पॉइंट तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट क्या होगा, हीट रिलीज हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको इस में ध्यान रखना चाहिए कि ये रिएक्शन अच्छा करवाना चाहते हैं, मतलब अमोनिया ज़्यादा बनवाना चाहते हैं, यानी कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिएक्शन हमेशा किस में करवाना है, लो टेम्परेचर में करवाना होगा आपको, किस में करवाना होगा, लो टेम्परेचर में, ठीक है। आप पढ़े होंगे रिजिडिटी प्रिंसिपल में, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम रखना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करोगे तीन एक चार इधर दो है, तो दो माइनस चार माइनस में नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, तो प्रेशर क्या रखना चाहिए आपको, प्रेशर क्या रखना चाहिए, हाई प्रेशर रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यूज होता है आपका आयरन एज अ कैटलिस्ट, इस हेवर्स प्रोसेस में क्या यूज होता था, आयरन एज अ कैटलिस्ट। ऐसे अभी हम डिस्कस करेंगे हेवर्स प्रोसेस मॉडिफाइड हुआ तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जब एनसीईआरटी का पॉइंट डिस्कस करेंगे तभी, एनसीईआरटी में जो पहले वीडियो अपलोडेड है वहाँ आप देख सकते हो हेवर्स प्रोसेस का जो मॉडिफिकेशन है, न्यू फॉर्म है, उसको हमने वहाँ डिस्कस किया, फिर से करेंगे, अभी बस नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं, ये हेवर्स प्रोसेस है, ठीक है, सिंपल सा हेवर्स प्रोसेस है, डन। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना या वो वीडियो देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। चलिए अगला एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज NH4 प्लस X माइनस, ठीक है। यदि बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो तो बेसिक मीडियम में यदि आप NH4 प्लस X माइनस का रिएक्शन कराओगे तो आपको ये क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, अमोनिया गैस निकलेगा हमेशा। कभी भी अमोनियम सॉल्ट का आप रिएक्शन करा रहे हो बेसिक मीडियम में, क्या मिलेगा, अमोनिया, क्यों मिलेगा, बातें हम, तो आपको पता है अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये भी कैसा ही नेचर है, दिस इज ऑल्सो इज बेसिक इन नेचर। अब चूंकि ये भी बेसिक इन नेचर है, अमोनिया भी बेसिक इन नेचर है, ठीक है, और आप उसका रिएक्शन भी कहाँ करा रहे हो, बेस के प्रेजेंट में करा रहे हो, किसके प्रेजेंट में करा रहे हो, बेस के प्रेजेंट में करा रहे हो आप रिएक्शन, तो क्या होगा, बेस, एक बेस दूसरे बेस को क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सन होगा एक दूसरे के बीच में, एक बेस दूसरे बेस को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा एक दूसरे का, ठीक है। जब रिपल्सन करेगा तो क्या होगा, तो एक बेस दूर चला जाएगा, तो ये देखिए अमोनिया सॉल्ट से आप बेस से रिएक्शन कराए तो अमोनिया है जो बेस बाहर निकल के भाग जाएगा, याद रहेगा ना, सही है। चलिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ये रिएक्शन, अमोनिया का होल ट्वाइस Cr2O7, फिर किया था हमने NH4NO2 का रिएक्शन, फिर हमने किया था, ये दोनों डिस्कस किया था, इस दोनों से क्या बनना था, नाइट्रोजन N2, दोनों से क्या मिलना था, N2, ठीक है। लेकिन N2 बनाने का और भी तरीका है, जैसे बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड से भी आपको क्या मिलेगा, N2। इसके अलावा आपका है सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड से भी क्या मिलेगा, N2। ये जो दोनों तरीका है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन के लिए, एकदम नाइट्रोजन आपको प्योर चाहिए, नाइट्रोजन कैसा चाहिए आपको, प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराना चाहिए, मतलब एजाइड एजाइड को हीट करना आपको, ठीक है। जब कैसा चाहिए आपको, प्योर नाइट्रोजन चाहिए, और इसमें आपको प्योर नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सभी में, इन दोनों में आपका O2 भी निकलेगा, नॉट प्योर O2 प्रेजेंस ऑफ O2, O2 भी निकलेगा, इसलिए प्योर नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट में करवाया भी था आपको, फिर से अभी रिवीजन करा दूं, NH4NO3 इसको करवाया था मैंने आपको हीट के, तो क्या निकला था N2O। कैसे निकला था, ये प्लस 5 में था और ये प्लस, ये माइनस 3 में था, सॉरी ये माइनस 3 में था, तो आप निकाल सकते थे आसानी से। इसके अलावा अगला रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देखिएगा ध्यान से। अगला आपका NaNO2, ठीक है, NaNO2 को आप यदि हीट करते हो, NaNO2 को आप यदि हीट करते हो तो ये आपको देगा सिंपल सा, पहले तो हीट करोगे उससे पहले आपको डाइल्यूट H2SO4 और FeSO4 के बीच में रिएक्शन कराइए। NaNO2 क्या करवाना आपको, डाइल्यूट H2SO4 FeSO4 के में रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा आपका HNO2। क्या बन जाएगा, HNO2 मीन्स, क्यों, क्योंकि ये जो डाइल्यूट H2SO4 है आपका, डाइल्यूट H2SO4 जो है ये क्या देगा आपका H+ देगा, और ये Na+ NO2- अलग होगा, NO2- कंबाइन कर लेगा किसके साथ, H+ के साथ, और क्या बना लेगा, HNO2 बना लेगा। ठीक है भाई, अब इस HNO2 ये एसिडिक मीडियम में अभी प्रेजेंट, एसिडिक मीडियम है ही प्रेजेंट, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इसका डिसप्रोपोनेशन होगा, ठीक है, और डिसप्रोपोनेशन करके क्या बनाता है, ये NO+ HNO3 डिसप्रोपोनेशन होगा, डिसप्रोपोनेशन होने के बाद क्या बनेगा, NO+ HNO3 बन जाएगा, ठीक है, NO+ HNO3 बनेगा, बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद ये HNO3 FeSO4 के प्रेजेंट के कारण, FeSO4 के प्रेजेंट के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है NO में, तो फाइनली अब क्या मिल रहा है, सिर्फ NO ही मिल रहा है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एम्स का सेशन रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। NaNO2 रिएक्शन करता है डाइल्यूट H2SO4 FeSO4 के साथ, तो डाइल्यूट H2SO4 से H+ निकला, NO2- कंबाइन करके क्या बनाया आपका, HNO2 बनाया। अब ये HNO2 H+ में एसिडिक मीडियम के प्रेजेंट में डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन देगा, डिसप्रोपोनेट करके क्या बना देगा, NO+ HNO3, फ्री HNO3 ब्रेक हो जाएगा, FeSO4 के प्रेजेंट में क्या बनाएगा आपका, NO बना देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका NO+NO2, ये कंबाइन करता है, सिंपल क्या बनाता है भैया, N2O3 बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगला हमने हीटिंग थर्मल इफेक्ट वाला वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें बताया था मैंने आपको, नाइट्रेट को हीट करोगे, ठीक है, तो क्या निकलता है, PbO निकलेगा प्लस NO2 गैस निकलेगा प्लस O2 गैस निकलेगा, यानी कि O2 भी निकल रहा है, NO2 भी निकल रहा है। प्लीज़ जाकर हीटिंग वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें समझ में आ रहा है। इसके अलावा दो NO2 को रखकर आप कूल करा दो, NO2 को रखकर कूल करा दो, क्या बन जाएगा, डाइमराइज कर देगा, N2O4 बन जाएगा, ठीक है। दो NO2 को रख के कूल करा दो, क्या बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा। ये सब जो रिएक्शन करवा रहे हो NCERT में एक टेबल में बना कर दिया गया। फिर दो मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 को आप रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ P4O10। P4O10 क्या है, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो P4O10 क्या करेगा, HNO3 को डिहाइड्रेट करके क्या बना देगा आपका, N2O5। तो N2O5 कैसे बन रहा है, बाई डिहाइड्रेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 बाई द हेल्प ऑफ P4O10 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो अपन डिस्कस करेंगे आगे, ग्रुप 15 के रिएक्शंस और भी हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए भाई, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और उसके अलावा आप मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू।